Good morning children. Today we will do true false from lesson 7. Now start this exercise. Number 1. The rabbit lived in a city. जो हमारा ये sentence है इस पे जो है हमें हम लिखेंगे false, क्योंकि जो rabbit है वो जंगल में रहता था. Okay? Number 2. The rabbit was resting under a coconut tree. जो हमारा ये sentence है ये बिल्कुल right है, true है, और हम यहाँ पे true लिखेंगे. जो rabbit है वो coconut tree के नीचे ही rest कर रहा था. Okay? Number 3. The rabbit thought that the tree was falling. ये sentence जो हमारा है ये false है, क्योंकि जो rabbit है उसने सोचा था कि sky is falling. ठीक है बेटा, तो इसमें जो हम आंसर लिखेंगे वो फॉल्स लिखेंगे. नंबर 4. अ मंकी सॉ द डियर एंड द रैबिट रन. अब जो हमारा ये सेंटेंस है ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये सेंटेंस जो हमारा ट्रू है, कि मंकी ने ही जो डियर और रैबिट को दौड़ते हुए देखा था. ओके. नंबर 5. द बफेलो वॉज बाथिंग इन एन ओशियन. अब जो ये सेंटेंस है ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है, क्योंकि जो बफेलो है वो बाथिंग जो है पूल में कर रही थी. द बफेलो वॉज बाथिंग इन द पूल. तो और यहाँ पे क्या है? द बफेलो वॉज बाथिंग इन एन ओशियन. तो ये जो सेंटेंस है हमारा फॉल्स है. ओके. नेक्स्ट नंबर 6. द पिकॉक हर्ड द लाउड थड. अब जो ये सेंटेंस है ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये सेंटेंस फॉल्स है, हम यहाँ फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि जो लाउड थड है वो सुना था रैबिट ने. ओके बेटा. डियर चिल्ड्रन, यू हैव टू राइट दिस वर्क इन योर कॉपी एंड लर्न इट. ओके.